सेवेंथ हमने कल आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है या प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है वो देखा। आज फिर एक नियम देखते हैं, सब ऑल मैनी सेवरल बहुत फ्यू ए फ्यू द फ्यू आदि शब्द आए क्या जब ऑल मैनी सेवरल मने कई बहुत फ्यू ए फ्यू द फ्यू आदि शब्द आए ये बहुवचन का बोध कराते हैं। इनके साथ बहुवचन क्रिया प्लुरल वर्ब लगाएंगे। क्या नियम पढ़ा? जब ऑल मैनी फ्यू ए फ्यू द फ्यू सेवरल बहुत आदि शब्द आता है तो ये किसका सूचक है? बहुवचन का सूचक है। इसके साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे यानी बहुवचन क्रिया जो है वो लगाएंगे क्योंकि ये शब्द ही बहुवचन के सूचक हैं। ये एक वचन को नहीं बहुवचन को बताते हैं। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल फुटबॉल प्ले या प्लेज क्या है? ऑल द स्टूडेंट ऑल शब्द जो है किसको बताता है? बहुवचन को बताता है ये बहुवचन। अब प्ले और प्लेज में बहुवचन क्या है तो ये आपको गौर करना है। जिसमें एस या एस नहीं लगा है वो कौन सी वर्ब हो गई? वो प्लूरल वर्ब हो गई। कौन सी वर्ब हो गई? वो प्लूरल वर्ब हो गई जिसमें एस या एस नहीं लगा है। यहाँ प्ले आ जाएगा। केवल किसको देख कर लगा रहे हैं? ऑल को। जैसे मैनी बॉयज प्लेइंग वाच या वर तो आपको मैनी दिख जाए। ये मैनी किसका सूचक है? बहुवचन का सूचक है। ठीक है ना? यानी एक से अधिक हैं तभी मैनी का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर बहुवचन क्रिया कौन सी हो गई? वाच और वर में से वर हो गई। बहुवचन क्रिया कौन सी हो गई? वर हो गई। जो मैनी है वो बहुवचन का सूचक है। वाच एक वचन का है, वर बहुवचन का है, इज एक वचन का है, आर बहुवचन का है जे एक वचन का सूचक है बहुवचन का सूचक है। तो मैनी बॉयज वर प्लेइंग आ जाएगा। सेवरल सिटीज डर्टी तो क्या लिखा है? सेवरल सिटीज, सेवरल माने कई, कई शहर जो है वह गंदे हैं। कई मतलब एक वचन का सूचक नहीं है। सेवरल क्या बताता है?
बहुवचन का बोध कराता है आपको। किसका बोध कराता है? बहुवचन का। एक से अधिक हो तब अपने को इसका प्रयोग करना है। तो सेवरल सिटीज बहुवचन के सूचक है और बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करना है? आर का प्रयोग करना है इधर में से, इसलिए क्या आ गया? आर आ गया। ए फ्यू मैन, सिटिंग इन द रूम, इज या आर। ए फ्यू, द फ्यू या केवल फ्यू हो, किसके सूचक हैं? बहुवचन बताते हैं। क्या बताते हैं? बहुवचन बताते हैं। ए फ्यू, द फ्यू, केवल फ्यू, ये सूचक ही किसके हैं? बहुवचन के हैं। तो इज और आर में से बहुवचन क्या है? आर। बहुवचन क्या है? आर है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? आर। अगली बात समझ में? तो इस प्रकार ऑल आ जाए, मेनी आ जाए, सेवरल आ जाए, बोथ आ जाए, फ्यू आ जाए, ए फ्यू आ जाए, द फ्यू आ जाए, इसके सूचक हैं? बहुवचन के सूचक हैं। एक नियम और देखें, तो एक नियम और छोटा सा देखो। मेनी ए आए दो, एक वचन क्रिया यानी सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। देखो यहाँ क्या बता रहा है? मेनी, मेनी तो बताता है बहुवचन, लेकिन मेनी के साथ अगर कौन आ जाए? ए आ जाए। याद रखना, मेनी के साथ अगर ए आ जाए तो वो किसका सूचक है? एक वचन का, ना कि बहुवचन का। अब देखो, मेनी ए मैन, इतने आदमी हैं उसमें से एक, तो मेनी के साथ अगर ए आता है तो याद रखना है वो एक वचन है, और केवल मेनी आता है तो वो क्या है? बहुवचन है, इसलिए वर लगाया। लेकिन मेनी ए मैन आ गया, वो एक वचन का काम करेगा, क्या लगा देंगे? वाच। मेनी ए का ये ध्यान रखना है, जैसे मेनी ए पेन गुड, देख लो पता लग जाएगा मेनी के साथ ए आ रहा है। केवल मेनी नहीं है, केवल देखो मेनी बॉयज आ गया यहाँ पर, लेकिन मेनी के साथ ए आ गया, ये एक वचन को बताएगा, यानी सिंगुलर वर्ब को लगाना है। इज आर में से सिंगुलर वर्ब कौन है? इज है। कौन है? इज है। तो मेनी ए पेन इज गुड, एक वचन, मैंने ये आए तो एक वचन का प्रयोग करना याद रखना।